मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको प्रभाववाद और एतवार मानने के बारे में बताऊंगी। प्रभाववाद का नामकरण 1874 में हुआ था, एक चित्र प्रदर्शनी में। यह सभी चित्रकार एक स्थान पर मिलते थे। इसमें माने, देगा, सिसली, सेजा वगैरह सभी चित्रकार थे, लेकिन मोने इसमें शामिल नहीं थे। तो चित्रकारों ने जो तेज धूप होती है उसको देखकर महसूस किया कि जो धूप में जो भी वस्तु दिखती है उसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है, और वस्तु के रंग जो है वो शुद्ध भी दिखाई नहीं देते धूप में। तो इस प्रदर्शनी में मोने का एक प्रसिद्ध चित्र भी रखा गया, उसका नाम था सूर्योदय एक प्रभाव। ये भी प्रदर्शित किया गया। तो आलोचकों ने प्रभाववादी शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि ये जो पद्धति थी यही प्रभाववादी कहलाई, क्योंकि सूर्य का जब भी प्रभाव आता है कोई भी चीज उसमें क्लियर नहीं दिखती है। और अब मैं आपको प्रभाववाद में एडवर्ड माने के बारे में बताऊंगी, जो कि इनके आर्टिस्ट हैं, जिनका जन्म 1832 में हुआ। ये एक धनी परिवार से थे, इनके पिता न्यायाधीश थे। लेकिन माने की बचपन से ही चित्रकला के प्रति रुचि थी, तो इनके पिता ने इनको कुत्तूर की चित्रशाला में प्रवेश दिला दिया। लुब्र संग्रहालय ये जाते थे तथा वो जो वहाँ चित्र थे उनका ये गहन अध्ययन करते थे, उनकी प्रतिकृति तैयार करते थे, जिनसे चित्रकला के क्षेत्र में इनको व्यापक कार्य करने का मौका मिलता था। कला के अध्ययन के बाद इन्होंने जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लैंड इत्यादि स्थानों पर जाकर काफ़ी चित्रकला का अध्ययन किया। 6 वर्षों तक कठोर कला की साधना की, लेकिन कुछ समय बाद ये उस माहौल से ऊब गए। बोलते थे रोज वही चित्र, वही सब कुछ। उस माहौल में जाने के बाद, ये चित्रशाला में जाने के बाद ही इनको ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। वहाँ की सारी वस्तुएँ, सब चीज़ें, वहाँ का सारा माहौल इनको बड़ा हास्यास्पद लगने लगा। चित्रशाला में जब भी प्रवेश करता हूँ लगता है किसी कब्र में प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसा ये सोचने लगी। माने ने सन 1859 में एब्सिंथ ड्रिंकर नामक चित्र बनाया, जो कि इनका राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत हुआ। इनके जो कुत्तूर जो थे उन्होंने इस बारे में कहा कि ये चित्र जरूर किसी एब्सेंट ड्रिंकर ने ही बनाया होगा, इनकी आलोचना की। इस पर माने का प्रत्युत्तर जो था वो इस प्रकार था, क्योंकि वो तो प्रभाववादी थे और प्रभाववाद से ही नाता रखते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पेरिस में एक ऊंचा टॉप पहने हुए एक निंदन घुमक्कड़ को देखा था तथा उसे विलास्के के सरल शैली में उसी को मैंने चित्रित किया है। 1863 में अस्वीकृत चित्रों की जो प्रदर्शनी हुई उसमें भी माने का चित्र रखा गया। कुछ चित्र जो प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं होते थे, करीब 4000 चित्र थे, लेकिन इन्होंने अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी की इन लोगों ने, जिसमें माने का जो चित्र था तृण पर भोजन, उसकी कटु आलोचना हुई, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये चित्र असभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि इस चित्र में दो वस्त्रधारी पुरुषों को एक विवस्त्र नारी के साथ चित्रित किया गया था। वस्त्रहीन नारी के चित्रण और सवस्त्र पुरुषों के साथ, इस तरह का जो सामाजिक दृष्टिकोण था वो भी इस चीज को पसंद नहीं करता था। इस कारण इस चित्र का बहुत इसकी आलोचना हुई और इनका बहुत विरोध हुआ। माने को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, विवादों से ये घिर गए, लेकिन वास्तव में ये चित्र अपनी मौलिकता और अपने रचनात्मक कौशल के कारण अनूठा था, अनूठा प्रयोग था चित्र की। सबने इनके रचनात्मक कौशल की बहुत तारीफ की। 1885 में इन्होंने एक चित्र बनाया ओलंपिया, जो भी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। लेकिन ये चित्र और भी विवादास्पद था, क्योंकि ओलंपिया उस समय के देवता थे, ये लोग ओलंपिया देवता को लोग मानते थे। ये चित्र इतना विवादास्पद हुआ कि इसकी सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त भी किए गए, क्योंकि इस चित्र में ओलंपिया देवता को चित्रित करने के लिए
एक कुख्यात स्त्री को नग्न अवस्था में लेटे हुए ओलंपिया शीर्षक से चित्रित किया गया था। एक आलोचक ने कहा कि इस चित्र में ताश का पत्ता कह के इस चित्र में उन्होंने माने की आलोचना की कि इन्होंने ताश का पत्ता बनाया है जबकि ओलंपिया वहाँ के देवता थे। इस चित्र की भी कड़ी आलोचना हुई, लेकिन वास्तव में माने बहुत अच्छे चित्रकार थे। 1866 में इनका चित्र बांसुरी वाला चित्र प्रदर्शनी में अस्वीकृत किया गया क्योंकि ये काफ़ी विवादों में घिर गए थे। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे स्पेनिश गिटार वादक, माता पिता के व्यक्ति चित्र, ये भी एडवार माने के प्रसिद्ध चित्र हैं। 1868 में इनके दो चित्र तोते वाली स्त्री काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है और बहुत प्रमुखता से इन्होंने उसको चित्रित किया, लोगों ने पसंद भी किया। एमिल जोला चित्र भी इन्होंने बनाया। एमिल जोला चित्र इनका राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत कर लिया गया और तोते वाली स्त्री भी स्वीकृत कर लिया गया। इस चित्र की पृष्ठभूमि में ओलंपिया की अनुकृति और जापानी छायाचित्र लगाए गए थे। माने का कुछ अन्य चित्र भी हैं जैसे अच्छी बियर, जो कि इन्होंने 1873 में चित्रित किया, जो कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में चयनित भी हुआ है। नाव की सवारी इनका ऐसा चित्र है जो 1874 में चित्रित किया गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके साथ ही जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र भी माने का प्रसिद्ध चित्र है। फोलियो बर्जेर का शराबखाना, यह भी चित्र इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। निश्चय ही माने एक प्रभावादी कलाकारों में एक श्रेष्ठ कलाकार थे और जो इनकी कला है उसको भी कलाकारों ने इनकी कला का बहुत सम्मान किया, क्योंकि प्रभाववाद के कुछ सिद्धांत थे। दृष्टिगत वस्तु के रूप की सादृश्यता को ये लोग महत्व नहीं देते थे। ये कलाकार, इनका उद्देश्य था कि पूरा परिवेश, वातावरण तथा प्रकाश को चित्रित करना इनका उद्देश्य था। वस्तु की बनावट तथा बारीकियों पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये कहते थे कि केवल एक बार देखने वाला प्रकाश ही चित्र पर पूरा प्रभाव डालता है, वो ही चित्र ये लोग चित्रित करते थे। प्रभाववादियों के कुछ विचार भी थे और कुछ विषय थे। जैसे प्रभाववादी साहित्यकार तथा कलाकार पूरे समस्त विश्व को, प्रसंग और जो विश्व की घटनाएं थी उनको सौंदर्य युक्त मानते थे। इनका कहना था कि चित्र सौंदर्य युक्त होना चाहिए। समस्त विश्व सौंदर्य युक्त है, विश्व ही सौंदर्य है। पूरे विश्व की घटनाएं, दृश्य में इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की है। कला रचना के लिए इन्होंने किसी काल्पनिक विषय वस्तु को उत्तम नहीं माना है। प्रभाववादियों का मानना था कि भाव अभिव्यक्ति, अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति, अपने मन से अपन जो भी कुछ भाव अभिव्यक्त करते हैं उसका संबंध सिर्फ कलाकार के मन से है, विषय से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपनी मनोभिव्यक्ति को चित्रित करना ही कलाकार का ध्येय होना चाहिए। इन्होंने ये सिद्ध करने का पूर्ण प्रयत्न किया है कि कला रचना जो है वो आत्मनिष्ठ है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। सिर्फ आत्मा से, जो भी आपको आत्मा जो कहती है वही आप चित्रित करिए, वही आपकी कला है। कला के लिए किसी वस्तु का होना या किसी प्रत्यक्ष देखकर किसी चीज़ का बनाना यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार पूरे विश्व को ही कला तथा साहित्य में विषय के रूप में प्रभाववादियों ने, और सिर्फ प्रभाववादियों ने ही स्वीकार किया है। प्रभाववादी चित्रों में विषय वस्तु का जो दृश्य प्रभाव है उसको ही सर्वोपरि मानते हैं। इनका कहना है, इसीलिए प्रभाववादी को नेत्रशैली भी कहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो आपके नेत्र देखते हैं, जो आपका जो भी विषय है उस पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है और आपको जो चीज़ जैसी दिखती है वही चित्र है। इन्होंने चित्र में जो आउटलाइंस होती हैं उसका भी प्रयोग नहीं किया है,
सूर्य का प्रकाश में हमें जैसा जो कुछ धुंधला दिखता है, हर वस्तु बिल्कुल साफ नहीं दिखती तेज प्रकाश में, उसी चीज़ को इन्होंने चित्रित किया है। अतः मैं कह सकती हूँ कि एडवर्ड माने प्रभाववादियों में एक श्रेष्ठ और अच्छे चित्रकार थे। कल हम आपको प्रभाववादी चित्रकार मोने के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।